हेलो दोस्तों, मैं शुभ साला का बहुत स्वागत करता हूँ हेल्प एंड टिप्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आए दिन आप लोग पेपाल के बारे में ज़रूर सुनते होंगे कि डायरेक्टली आप इससे इंटरनेशनली जो भी आपकी पेमेंट वगैरह है या फिर किसी तरह की आप शॉपिंग करना चाहते हो तो इसके थ्रू कर सकते हो। अब आए दिन आप डायरेक्टली आप इसका आप इंडिया में क्योंकि आ चुका है, आप इसका एडवर्टीजमेंट भी देखते हो। वैसे बहुत दिनों से ये यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, लेकिन ऑफिशियली तौर पर आप इसके एडवर्टीजमेंट भी आने लगे हैं। सो आप डायरेक्टली आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती होगी कि पेपाल कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। तो आज के एपिसोड में यही बताने वाला हूँ किस तरह से आप पेपाल का अकाउंट बना सकते हो, और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो इंटरनेशनली ईबे के थ्रू या फिर किसी भी दूसरी जो अदर ब्रांड्स हैं उनके थ्रू अगर शॉपिंग करना चाहते हो, साथ ही साथ अगर पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, क्योंकि बहुत से जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि एडसेंस हो गया या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी जैसे कि हमारे यहाँ वीगो वीडियोस बहुत से लोग बनाते हैं क्रिएटर्स, सो उनका जो मनी है, जो उनको पैसा मिलता है वो पेपाल के थ्रू मिलता है। तो कैसे इसका अकाउंट बनाया जाता है आज मैं दोस्तों यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको पेपाल इंडिया सर्च करना है। तो इसे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पेपाल इंडिया आपको देख सकते हो, डायरेक्टली आपको गूगल सर्च पे ही मिल गया है। यहाँ पर आपको सेटअप योर अकाउंट जो लिंक शो हो रहा है उस पर टैप करिए। बिकॉज अब दोस्तों ज़्यादातर लोग सारे काम जो हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू करते हैं, तो इस वजह से ये वीडियो मैं स्मार्टफोन के थ्रू ही बना रहा हूँ। चाहता तो मैं डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप के थ्रू बना सकता था, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स हमारे स्मार्टफोन पे हैं, सो इसीलिए मैं स्मार्टफोन पे ये बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा एक बॉक्स में, साइन अप फॉर फ्री, इस पे टैप करिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है फॉर शॉपर्स। अगर आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ किसी भी तरह की शॉपिंग करना चाहते हो उसके पेमेंट पेपाल के थ्रू करना चाहते हो, क्योंकि कम्प्लीटली सेफ है ये, सो अगर करना चाहते हो तो इसके थ्रू कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू। जैसे कि आप पेटीएम में वॉलेट में जैसे पैसे डालते हो सेम वैसे ही करना होगा दोस्तों आपको। चाहो तो आप डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट लिंक भी कर सकते हो, जिससे कि आप इंटरनेशनली जब मनी रिसीव करो तो डायरेक्टली आपके वो बैंक अकाउंट में चली जाए। तो फॉर शॉपर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अगर आप किसी तरह का बिज़नेस करते हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो या किसी तरह, और आप पेमेंट जो है रिसीव करना चाहते हो तो फॉर बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको केवाईसी ज़रूर से ज़रूर करानी पड़ेगी। और आप अगर कोई फ्रीलांसर हो, यानी कि आप किसी का काम करते हो, कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हो और उसके बदले में आप पैसा रिसीव करना चाहते हो, तो आप फॉर फ्रीलांसर अकाउंट चूज़ कर सकते हो। बट बेसिकली मैं अभी यूजली जो कॉमन यूज़र्स हैं जो कि पेमेंट करते हैं शॉपिंग की या फिर रिसीव करते हैं पेमेंट, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो फॉर शॉपर्स में जाना है, नेक्स्ट पे टैप करना है। यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिकली चूज़ है, सो आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली। आप क्योंकि साइन अप कर रहे हैं तो अपना यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए, यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड की इंडिकेशन आपको यहाँ पे दी गई हैं कि इसमें आपको 8 से 20 करेक्टर देने हैं, जबकि इसमें एक नंबर होना चाहिए और सिंबल भी होना चाहिए। सो आप देख सकते हो कि मैंने पासवर्ड फिलअप कर दिया है, कंटिन्यू पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, जो कि पैन कार्ड में ऑलरेडी लिखा हो वही दोस्तों आपको देना है। तो मैं अपना नाम दे देता हूँ जो कि मेरे पैन कार्ड में मेंशन है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी, और जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, इसी फॉर्मेट में आपको अपनी डे जो बर्थडे डेट है वो आपको फिलअप करनी होगी। अपना एड्रेस बता दीजिए। यहाँ पे अपनी सिटी, अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बिकॉज ऑफ मैं लखनऊ में रहता हूँ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ अपना पिन कोड दे दीजिए और अपना मोबाइल नंबर, और आई एग्री पे टाइप कर दीजिए। जो आपको यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है उसे क्लिक कर दीजिए और फिर एग्री एंड क्रिएट अकाउंट इस पर टाइप कर दीजिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अब ये डायरेक्टली आपको लिंक करना है अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर पाओ। या अगर आप दोस्तों चाहते हो कि आप अभी
अगर देना चाहते हो, अपना लिंक करना चाहते हो, तो यहाँ पे कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट और CVV नंबर जो उसके कार्ड के पीछे होता है 3 डिजिट का, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और यहाँ पे लिंक कार्ड पे टैप करके उसे लिंक कर सकते हो डायरेक्टली। सो मैं अभी ये प्रोसेस नहीं करने वाला, तो आप चाहे तो कर सकते हो। फिर आपको लिंक कार्ड, ये जो बटन है, इस पर टैप करना होगा। अगर आप अभी लिंक नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आई लिंक माई कार्ड लेटर, सो आप उस पर टैप कर दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हो कितना आसान था ये। आप चाहो तो मैनेज योर अकाउंट पे टैप करके अपने अकाउंट में जा सकते हो और डायरेक्टली अपने अकाउंट में देख सकते हो समरी वगैरह की, कितनी बार आपने शॉपिंग की या कितनी बार आपने पेमेंट रिसीव की वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये था कि किस तरह से आप पेमेंट करोगे। आपको बस डायरेक्टली लिंक कर देना है अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे भी, और क्योंकि पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है पेपाल, सो आपको इसमें कोई चिंता करने की बात भी नहीं है। रिसीविंग के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप यहाँ पर टैप कर दीजिएगा और यहाँ पर ये कंप्लीट करना है स्टेप, तो इस पर ओके कर दीजिए। गेट स्टार्टेड पे टैप कर दीजिए, फिर उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाइए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर खुल कर आ चुका है। यहाँ पर अपना पैन नंबर दे दीजिएगा दोस्तों, जो आपका पैन नंबर है वो जो मेंशन होगा, वो पैन नंबर आपको यहाँ पे फिल अप करना है। इनिशियल एड्रेस आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, पैन नंबर बस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। सो मैं जल्दी से यहाँ पर पैन नंबर है अपना वो फिल कर देता हूँ। सो मैंने अपना पैन नंबर जो है वो फिल कर दिया दोस्तों। सबमिट पे टाइप कर दीजिए। पर्पस कोड में आके दोस्तों आपको अपना पर्पस कोड देना होगा। यहाँ पे आपको बताना होगा किस लिए आप जो पेमेंट है वो रिसीव करोगे। सो यहाँ पे पर्पस कोड दे दीजिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट सर्विसेज पर टैप कर देता हूँ, इसे सबमिट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो सब कुछ करने के बाद अब आपको अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है बाय एडिंग बैंक अकाउंट यू कैन रिसीव फंड्स एंड विड्रॉ इट। वंस यू ऐड अ बैंक अकाउंट पेपाल विल सेंड 2 small deposit टू द बैंक अकाउंट विद इन 3 to 5 business days। यानी कि जैसे ही आपका लिंक हो जाता है, पेपाल एक छोटी सी अमाउंट आपके 3 से 5 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में भेजेगी वेरिफिकेशन के लिए कि आपका अकाउंट इनसे लिंक हुआ है कि नहीं। तो आपको नेक्स्ट पे टैप करना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है, इस पे टैप कर दीजिए लिंक का बैंक अकाउंट। और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है दोस्तों सबसे पहले, और फिर उसके बाद IFSC कोड जो होता है बैंक का वो आपको फिल करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है अपना, जिस अकाउंट नंबर पे आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो उसी अकाउंट का नंबर डालिएगा दोस्तों। मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे IFSC कोड जो होता है वो आपको फिल करना है बैंक अकाउंट। आपको अगर IFSC कोड नहीं पता कि कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपकी जो बैंक अकाउंट की जो पासबुक होगी उसमें आपको IFSC कोड देखने को मिल जाएगा। सो आप वहाँ से देखकर इसमें फिल कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कंफर्म हो चुका है बैंक अकाउंट, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ कंफर्म दैट यू ओन दिस बैंक अकाउंट, कि आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो बैंक अकाउंट आपने नंबर दिया है वो आप ही का है। इसके लिए क्या करना होगा, पेपाल आपके सेंड करेगा 2 small amount, 1 रुपए 1 पैसे और 1 रुपए 50 पैसे का, जो कि आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और आपके जब बैंक अकाउंट में आएगा तो आपको उसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो आपको 4 से 6 दिनों के अंदर ये चीज़ जो अमाउंट है 1.5 रुपए और 1 रुपए 1 पैसे की वो आपको मिलेगी दोस्तों। आपको फिर अपने लॉगिन करना है पेपाल अकाउंट में और प्रोफाइल में जाके कंफर्म करना होगा कि आपने ये 2 जो अमाउंट है आपको भेजे गए हैं वो आपने रिसीव कर लिए। जिसके बाद आपका ये बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा पेपाल के साथ और आप फिर उसके बाद पेमेंट रिसीव कर पाओगे। तो कन्फर्म इन 4 to 6 days पे टैप कर दीजिएगा, और आप देख सकते हो कि बैंक अभी लिंक हो गया है लेकिन कंफर्मेशन करना बाकी है। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो किस तरह से पेपाल अकाउंट आप में अपना अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, और पैसे जो हैं आप जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करते हो, अपने ब्लॉगिंग करते हो,
उसमें जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने पैसे कमाते हो वो किस तरह से पेपाल अकाउंट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दीजिएगा। मेरी वीडियो से लेके या इस वीडियो को लेके कोई भी सुझाव देना है, यू मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इस तरह के अपने काम की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अगर यहाँ पर हो अच्छी बात है, आप मुझे वहाँ से मिल सकते हो और डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की ज़रूर ज़रूर कोशिश करूँगा। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।